नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोर्सेस क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं फोर्सेस, दो ऑब्जेक्ट को पास आना ज़रूरी है या नहीं है, हमने ये सब बातें हमारी लास्ट वीडियो में करी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस की। बच्चों, हमारी ना दो तरह की फोर्सेज होती हैं। पहली होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेज, दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी होता है, वो होती हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दूसरी होती हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का आपस में जुड़ना या आपस में अटैच होना ज़रूरी नहीं होता, उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जिससे कि वो दूर से भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। इस वीडियो को हम और डिटेल में देखेंगे, इन टॉपिक को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले बात करेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलर फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर, जिसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। अच्छा, मुझे बताइए बच्चों, क्या आप मान लीजिए एक टेबल पर बुक पड़ी हुई है, क्या आप बिना उसे टच करे उस बुक को उठा सकते हैं? या मैं ऐसे कहूं कि आपके पास एक पानी की बाल्टी है और आपको उस पानी की बाल्टी को उठाना है, तो क्या आप बिना उसे टच करे आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं? तो इन दोनों सिचुएशन से आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए उसके कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट हमेशा हैंड से होगा, हम किसी स्टिक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है पीस ऑफ रॉक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू कम इन द कांटेक्ट। अब चाहे बच्चों हम हाथ से कोई चीज़ उठाएं, या हम किसी स्टिक से उठाएं, या किसी रॉक से उठाएं, सभी चीज़ों में हमारे किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? मसल्स का। हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं उसका ही तो यूज़ हो रहा है, और वो मसल्स क्या कर रही हैं, वो फोर्स लगा रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वो फोर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के एक्शन की वजह से आता है, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा बच्चों, मुझे बताइए, हमारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे बुलक कार्ट हो गया, हॉर्स हो गए, डंकी हो गया, कैमल हो गया, ये कौन सी फोर्स का यूज करते हैं? जब किसी सामान को खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, तो ये कौन सी फोर्स का यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स। भाई उनको भी तो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है ना, तो वो कौन सी फोर्स का यूज करेंगे? मस्कुलर फोर्स का। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे को फोर्स लगाने के लिए दो चीज़ों का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आई? मस्कुलर फोर्स में किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले बच्चों मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही बॉल हमारी जमीन पर चल रही होती है एंड ग्रेजुअली इट स्लो डाउन, वो फिर उसकी जो स्पीड है वो धीरे होती चली जाती है, जबकि हमने कुछ नहीं किया होता, लेकिन तब भी वो स्लो होती चली जाती है। या फिर अनदर केस, सभी ने साइकिल चलाई है, आप जब तक पैडल मारते रहते हैं साइकिल चलती रहती है, एंड जब आप पैडल मारना बंद कर देते हैं तो एक एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो साइकिल होती है वो धीरे हो जाती है और फिर बाद में रुक जाती है। क्या मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? हमने तो बाहर से तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। या फिर जब कार या स्कूटर का इंजन बंद कर देते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ? भाई इतनी सारी सिचुएशंस हैं, आपने यहाँ क्या इनमें से किसी भी सिचुएशन में आपने बाहर से कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया, लेकिन वो तो फिर भी स्टॉप हो गई। और अभी हम पीछे वीडियो में पढ़ते आए हैं कि हमारे को किसी भी चीज को रोकने के लिए, चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब फोर्स तो यहाँ भी लग रही है ना कोई, तो ये कौन सी फोर्स है? दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कहाँ होती है?
ये होती है हमारी सरफेस पे। कहाँ होती है? सरफेस पे। ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, ये हमारे क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी सरफेस पे चलता है तो एक फ्रिक्शन जनरेट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो क्या करती है उसको रोकने का काम करती है, उसकी जो स्पीड है उसे ग्रेजुअली डिक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, तो इस ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या काम करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी मोशन है ऑब्जेक्ट्स के उनकी स्टेट को चेंज करती है। ठीक, और ये हमेशा याद रखिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तभी वो उसको रोकेगी। ठीक है, और क्योंकि अब यहाँ पे भी हमारा क्या है, दो चीजों का कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, भाई जब तक आप सरफेस पे कोई चीज नहीं टच रखोगे तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो रुकेगी नहीं। तो ऐसे केसेस में, ऐसे एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स। फाइन, ये दो आपको कॉन्टेक्ट फोर्स समझ में आया, हमने इसके अंदर दो तरह की बात की, एक मस्कुलर फोर्स की, एक फ्रिक्शन की। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। बच्चों, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हमारी तीन तरह की होती है, पहली मैग्नेटिक फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरी ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो सबको पता है, हर बच्चे ने चुंबक से खेला होगा ना, देखा होगा कि जैसे कि दो, आप दो मैग्नेट ले लोगे और उनके पोल्स को जब आप एक दूसरे के पास लेके आते हो तो वो एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, करते नहीं करते, तो उनके बीच में भी तो कोई फोर्स है ना, तभी तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जो ये फोर्स एग्जर्ट किया जाता है मैग्नेट के द्वारा, इसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, और ये फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसमें हमने क्या करा, हमने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ली और उसे दो इक्वल पीसेस में काट दिया, जिसमें से एक पीस हमने क्या करा, टेबल की एज से लटका दिया। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे टेबल की एज से लटका दिया, और जो दूसरा हिस्सा था ये वाला, इसको हमने क्या करा, इसको रब कर लिया फ्रीली किसी पेपर से। अब क्या होगा, जिस हमने एंड को पेपर से रब किया है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे, यानी कि वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। और जब हम ये वाला चार्ज्ड बॉडी को, यानी कि चार्ज स्ट्रॉ को, हम वो उस लटके हुए स्ट्रॉ के पास लेके जाएंगे तो वो उससे क्या होगी, दूर होगी, यानी कि उसके तरफ अट्रैक्शन दिखाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या ये बॉडी को चार्ज करते हैं और फिर हम दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो ये जो चार्ज जनरेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। And the force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play when the bodies are not in contact. जब bodies contact, इस तरह के force कब काम आते हैं, जब body हमारी contact में नहीं आती। And इस तरह के जो forces होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, non-contact forces. ठीक है, एंड नाउ दिस इज द लास्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हर पर्सन को पता है, नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। आपने देखा बच्चों, जो भी हम कोई भी चीज हम ऊपर उछालते हैं, बीट अ कॉइन, पेंसिल, एप्पल, कुछ भी जो चीज हम ऊपर उछालते हैं वो इवेंचुअली नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, कोई भी चीज हम ऊपर उछाल रहे हैं तो इट शुड स्टे एट देयर ओनली, लेकिन फिर भी वो नीचे गिरती है। या हमारी जो फ्रूट्स हैं या लीव्स होती हैं, जब प्लांट से डिटैच हो जाती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमारी अर्थ के अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, एंड इन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, वो क्या करता है, हमारा हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल
फोर्स। अब आपने देखा होगा ना कि हमारा जो पानी है जब बाल्टी भर जाती है तब भी वो नीचे वो गिरता है पानी, ठीक है। तो इससे हम ये क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये अट्रैक्ट करती हैं, ये कभी रिपेल नहीं करती, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कहाँ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लेके जाता है। हम कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकेंगे या कोई चीज ऑलरेडी हमारी ऊपर है तो वो इवेंचुअली नीचे आ जाएगी, एंड वो फोर्स जो उसको नीचे लेके आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू दोस्तों, यहाँ आपका फोर्स एंड प्रेशर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग दोस्तों।